स्टार डायरेक्टर की जबानी अपनी जर्नी और टारगेट्स और इनके विजन टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। यस मॉर्निंग। आज थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, पिछली बार जब ब्रांच में आया था तो शेड्यूल में था। ओके, तो मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर, मैं बैंगलोर आर टी नगर से बिलोंग करता हूँ, जो थोड़े लोग मिल जाने बिलोंग। तो मेरा जब स्टार्टअप हुआ तो वेस्टीज में जुड़ा ही नहीं था मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुजाहिद सर हमारे घर आए थे, घर आने के बाद हमारे फादर के पास बैठे बैठकर इमीडिएट आईडी बनवा दिए उनकी। आईडी बनाने जब वो आईडी बना रहे थे तब मैं उनको देखते हुए जा रहा था घर से, बिकॉज तब मैं 18 था, तो उन्होंने सोचा भी नहीं कि मुझे अप्रोच करने के लिए। तो जनरली देख के मैं निकल गया, क्या कर रहे हैं साबुन टूथपेस्ट बेच रहे हैं बोल के निकल गया। निकलने के बाद मैं मेरी जॉब में मस्त था, तो मेरा बायोगैस टेक्नीशियन था मैं, आउट ऑफ कर्नाटका फिरने का था, तो एकदम कूल था। देन आफ्टर लॉकडाउन जो जनरली सबका हाल हुआ था, मेरा भी वही हाल हुआ कि जॉब हाथ से गई। उसके बाद लगा के कुछ नेटवर्क मार्केटिंग तो दिमाग में नहीं था, बट कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, कुछ अपना करना है। देन हमारे बड़े भाई हैं जो मोहम्मद साद सर जो अभी नहीं आए, उन्होंने मुझे बोला कि एक काम कर, वेस्टीज स्टार्ट कर ले, बेहतरीन है बोल के। फिर वो बोले नहीं छोड़, तू करेगा नहीं, बेकार है, तू बोलिए छोड़ दिए। देन मैं ही बोला कि मेरी आईडी बनाओ, बनाने के बाद आईडी बनवा लिया। देन थोड़े महीने गए, मैंने कुछ काम नहीं किया था। उसके बाद जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मैंने काम को डिसीजन लिया, मुजाहिद साहब के साथ बैठा, बैठने के बाद एक डिसीजन था। जनरली लोग क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं विदाउट डिसीजन। डिसीजन मतलब एक रीज़न चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हम क्या करते हैं, दोस्त को देख के स्टार्ट कर देते हैं या कोई जो जोड़ता है उसको देख के स्टार्ट कर देते हैं, बट अपना एक रीज़न होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज जॉब जाने का एक रीज़न होता है कि इनकम, इतनी इनकम होगी तो हम इतने के लिए जॉब जाएंगे। बट वेस्टीज स्टार्ट करने के लिए कोई रीज़न नहीं, जस्ट जुड़ जाते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं। मगर एक रीज़न था, बैठकर मैंने डिस्कस किया कि जॉब का रिप्लेसमेंट इसमें निकलना है बस। उस डिसीजन के बाद मैंने जॉब को क्विट किया। क्विट करने के बाद उसी महीने में मेरा ब्रॉन्ज इलेक्ट्रो क्वालिफाई हुआ। यहाँ तक तो हो गया ब्रॉन्ज इलेक्टर। उसके बाद जो मेन स्ट्रगल था ब्रॉन्ज इलेक्टर से स्टार्ट हुआ, जो तकरीबन 13 मंथ्स तक चला, जो ब्रॉन्ज ही रहा, मैं कोई और लेवल जा नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ शायद मेरा माइंडसेट होगा, जो टीम का माइंडसेट भी लो हो गया था। धीरे धीरे उसके बाद मुझे सपोर्ट करने लगे हमारे मोहम्मद सईद सर के साथ, फिर मुजाहिद सर, बलिदान सर, देन हमने डिस्कस करके थोड़ा और ग्रोथ के ऊपर काम किया। मैं मतलब क्या है, बहुत से लोग थोड़े दिन काम करते हैं फिर सक्सेस नहीं होता तो छोड़ देते हैं, लेकिन 13 मंथ्स तक मैंने सीखता रहा, देन टीम को गैदर करता रहा, उनको सिखाता रहा। धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट सिल्वर एंड गोल्ड मैंने डायरेक्ट स्टार डायरेक्टर बन गया। यहाँ से मेरा एक टारगेट है कि आने वाले 2 से 3 साल में मुझे ना ब्रांच चाहिए ना सिल्वर चाहिए, सारे के सारे यूथ आइकॉन्स चाहिए, बिकॉज मेरे जो एज के हैं मेरा जो 2 साल का वक्त जो गुजरा 11th एंड 12th वो ऐसा था कि हॉस्टल बराबर सुबह में उठना, कॉलेज जाना, कॉलेज में घर आना, खाना खेलना, फिर सो जाना, खत्म। ऐसा आज भी बहुत से 11th एंड 12th वाले आज भी वैसे ही जी रहे हैं। तो मेरा एक टारगेट है कि आज कॉलेजेस, बहुत से कॉलेजेस है 11th 12th वाले जो आज ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो वेस्ट हो रहा है। एक बेसिक लॉजिक है, आज सब जॉब करते हैं, जॉब करने से पहले स्टडीज होता है, तकरीबन 15-16 ईयर्स के ऊपर स्टडीज का हमारा पीरियड होता है। वो पीरियड में हम कह सकते हैं बिल्कुल थियरी के ऊपर कोई सिखाया नहीं जाता, बिकॉज थियरी करने के बाद फिर जॉब में जाते हैं, सीखते हैं प्रैक्टिकल। नॉलेज के लिए तो थियरी हो गई, मगर प्रैक्टिकल भी जरूरी था, वो हम जॉब के बाद जॉब में सीखते हैं। क्या हम पहले नहीं सीख सकते इसको? तो इसीलिए मेरा एक टारगेट क्या है कि जो आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं मैं उनमें काम करूंगा कि वो भी एक थियरी सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे, सीखने के बाद जब फील्ड में आएंगे तो एक्सपर्ट होंगे।
बस मेरे जो अभी प्रेजेंट यहाँ पर जो ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, सॉरी ब्रॉन्ज है और ब्रॉन्ज एंड बिलो है, सारों का टारगेट लगा हूँ आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर उनका भी कोई लेवल सिल्वर है। एंड थैंक्स टू मुजाहिद सर जो स्टार्टिंग में मेरा बहुत साथी है, मोहम्मद सईद सर। तो कैसी थी जबरदस्त सेलिब्रेशन? क्या जितने सिल्वर एंड ब्रॉन्ज हैं स्टार बनना चाहते हैं? यस, जोर से एनर्जी। यस, तो सिंपल, आपको लीडर बनना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, आपको टीम बनानी पड़ेगी, नीचे लोगों को गाइड करना पड़ेगा और मैक्सिमम काम होए ना होए, देखो हर बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन आते हैं, यस और नो? यस, आते हैं ना। बट जब डाउन होते हैं उसके दूसरे दिन शटर नहीं खोलता क्या? नहीं खोला तो वो परमानेंट बंद हो जाता है। ऐसे ही यहां पर भी क्या होता है, जब जब लोग बात नहीं सुनते, इस तरह कुछ डाउनफॉल होते हैं तो उस वक्त हमको खड़े होना है, नहीं लीडर की तरह आगे आकर लीड करना पड़ेगा और मैक्सिमम इवेंट्स को बिल्ड करना पड़ेगा। ऐसा हम पिछले आज जो स्टार डायरेक्टर हैं इनके बारे